एक मिनट यार, हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो भी बिना ड्रिंक्स के। मैं अभी लेके आता हूँ। स्वागत है आपका एक ऐसी खतरनाक दुनिया में जहां झूठ और धोखाधड़ी रोज के काम है, जहां किसी को ठगना सांस लेने के बराबर है, जहां कोई भी किसी भी वक्त आपका फायदा उठा सकता है, आपके भरोसे को तोड़ सकता है। और ये सब इन बड़े बड़े होटल्स के कमरों तक सीमित नहीं है, आपके साथ, मेरे साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। और छल कपट करने वाला इंसान किसी के चरित्र, उसके मजहब, उसकी जात को नहीं देखता। उसका मकसद तो साफ होता है, सिर्फ अपना फायदा और दूसरे का नुकसान। धोखा खाने का डर आखिर किसे नहीं होता। शादी के गठबंधन से लेकर व्यापार के सौदे तक हम सबको हमेशा यही डर सताता रहता है कि कहीं कोई हमारा फायदा ना उठा ले, कोई हमें ठग ना ले। और क्यों ना, आज के जमाने में सावधान रहना अनिवार्य हो चुका है, क्योंकि कड़वा सत्य तो यही है, हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जो धोखेबाज और चालबाज लोगों से भरा पड़ा है। लिहाजा अपनी आज की कहानी के जरिए हम आपको ऐसे ही कुछ खतरनाक अपराधियों से आगाह करने जा रहे हैं। एक तो पहले ही तुम्हारे चक्कर में हम इतने लेट हो गए हैं। अब तुम पता है माँ फोन करके इंटरोगेशन शुरू कर देगी। तुम कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो? अरे आशीष, कहाँ थे तुम? किसके साथ थे? क्यों इतनी देर लगाई? हाँ, पता है वो आदमी आया था दवाइयों की डिलीवरी करने, प्रकाश जी को खुद जाना पड़ा। और दीपिका, ये तो बुद्धू का बुद्धू है, तुम तो समझ से काम लिया करो। माँ जी, ये देखिए, ये आपकी दवाई बड़ी मुश्किल से मिली। ये जो आपका बुद्धू है ना, आपकी दवाई लिए बिना घर लौटने को तैयार ही नहीं था। बहुत ढूंढा तब जाके मिली है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब इस उम्र में तुम्हारे पापा इसकी दुकान संभाले, अच्छा थोड़ी ना लगता है। अरे हाँ हाँ, मेरी माँ, हम अभी जाते हैं। दीपिका तुम चलो चलो, बाय। एक सेकंड, माँ जी आपको मैं बताना ही भूल गई, परसों रात को खाना हमारे घर पे है, भूलेगा मत। वो शादी की ढेर सारी बातें करती है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब तुम लोग जल्दी जाओ जाओ जाओ। बाय। कहाँ थे तुम दोनों इतनी देर? मैं और सरिता जी इतने परेशान हो गए थे, पता है तुम्हें? ये पापा, ये आप ही के लिए टाई लेने गए थे हम। पर अरे, आपके पास एक भी ढंग की टाई नहीं है। ये सड़ी हुई टाई पहने क्या संगीत में आप? ए मुंगा, क्या कर रहा है यहाँ पे तू? चली कल मुंगा, अपनी पेमेंट लेने आया है, क्या कर रहा है यहाँ पर? अरे मुंगा, इसने आज मेरी बहुत मदद की है बॉक्सेस लगाने में, ये ले। चल, हो गया तेरा? चली कल चल। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। ओके मैन, बाय। अरे निकलने तो दूंगा, चल। जा रहा हूँ ना यार। अंकल, अरे इसे बुलाने की क्या जरूरत है यहाँ पे? आप सिर्फ एक साल से जानते हैं, मैं इसे बचपन से जानता हूँ। इसकी नजर ठीक नहीं है, इससे जितना दूर रहो उतना कम है। आशीष आशीष, let it be, baby. अरे पर ये... अरे छोड़ो छोड़ो। अच्छा tell me one thing, मैं भी बैलेंस शीट देख रहा था। हाँ, उसमें जो डिलीवरी रेट्स लगाए हैं वो अंकल, अंकल, आपने चेक कर लिया ना? तो फिर ठीक ही होगा, मैं जरा चलता हूँ। अरे पांच मिनट ठहर, मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं निकल लूंगा, बहुत जरूरी काम है मेरा। मेरी बात सुन आशीष, मेरी आशीष, आशीष तेरी तो किस्मत ही चमक गई यार, एक साल के अंदर अंदर इतना बड़ा बिजनेस जमा लिया, साथ में शादी की तैयारी भी, वो भी इतनी जोरों शोरों से, कमाल है। अबे ये सब छोड़ यार, कितना बड़ा बेशरम है, सारा काम अपने ससुर से करवाता है और खुद उंगली भी नहीं उठाता। अरे यार, अब तुम लोग को तो पता ना कि मैं कितना काम करता हूँ,
अब उसकी बेटी को संभालना ये आसान काम है क्या? अरे सर, अरे टेलर मास्टर, आप भी यहीं पे? अच्छा एक बात बताइए, शादी का सूट क्या शादी के बाद देंगे आप? सूट मैंने भेज दिया है, फिटिंग वगैरह सब बराबर है ना? भिजवा दिया था? कब भिजवा दिया था भाई? अरे वो दीपिका मैम का आदमी। दीपिका मैडम का कौन सा आदमी? सर वो है ना एक छोटा सा मोंगा, मोंगा आया था उसे, मैंने दे दिया उसको। मोंगा? इस मोंगा की तो मैं मास्टर अरे नहीं नहीं अरे एक पैक मास्टर जी। ये मोंगा का क्या चक्कर है? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम उससे दूर आ करो, तुम क्यों उसके साथ रहती हो? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ऐसे मैं हमेशा सोचती थी तुम और मैं अकेले दोपहर का वक्त शॉप में कोई भी आ सकता है, हाउ एक्साइटिंग। तुमने पी हुई है? वो ये था तुम्हारा जरूरी काम? नहीं वो थोड़ा दो। वैसे भी तुम पीने के बाद और नॉटी हो जाते हो। ये बिल्ली भी ना बस एक बार हाथ लग जाए छोड़ूंगी नहीं इसे। Are you sure बिल्ली थी? छोड़ो ना। आप एक बार जरा इनविटेशन के डिजाइन देखिए ना, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप जरा देखिए ना कौन सा फाइनलाइज करना है, इनमें से सबसे महंगे वाला कौन सा है? ये वाला। ये वाला तो फिर ठीक है, इसे ही फाइनल करते हैं। अरे भी शर्मा खानदान की शान का सवाल है, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। रीता जी पर ये कैटरर्स, माय गॉड, आजकल बड़े महंगे हो गए हैं, 1000 रुपीज पर प्लेट। प्रकाश जी, मेरे बेटे की शादी है, मुझे तो सबसे स्वादिष्ट और सबसे वैरायटी में खाना बनाने वाला कैटरर चाहिए, चाहे 1500 रुपए प्लेट ही क्यों ना हो। इसके पापा भी जब ऊपर से देखेंगे तो वो भी खुश होंगे। देखिए ना आशीष जी को, 2 सेकंड नहीं रह सकते दीपिका के बिना। लगता है बहुत याद आ रही है। हाँ। तो टाइम लगेगा, लेकिन मैं जो खबर लाया हूँ वो ज्यादा रुक नहीं सकती। ये रहे सारे पेपर्स, साउथ दिल्ली की प्रॉपर्टी की डील फाइनल हो चुकी है, शर्मा ट्रेडर्स की नई ब्रांच साउथ दिल्ली में। बस आशीष के कुछ सिग्नेचर्स की जरूरत है। प्रकाश जी, आपको नहीं लगता कि चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है? अरे लेकिन अभी अभी तो इसने बिजनेस खोला है और मुझे नहीं लगता कि ये संभाल पाएगा। देखिए सरिता जी, आप खामखा परेशान हो रही हैं। अरे यही तो उम्र है बिजनेस बढ़ाने की, और फिर ये भी तो है ना, ये क्या करने वाले हैं रिटायरमेंट के बाद? हाँ प्रकाश जी तो है, इन्हीं के कारण तो इसने अपने वो निकम्मे दोस्तों के साथ घूमना फिरना बंद किया है। आशीष, अबे आशीष, अबे कब से आवाज लगा रहा हूँ, पलट तो सही। क्या बोल रहे तू, पिया हुआ है क्या? अरे वो दीपिका भाभी के साथ तू ही है ना? सुन तू क्या बोल रहे तू, तूने दीपिका को देखा कहाँ पे? अरे सेंट्रियम मॉल में, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, पलट ना। सेंट्रियम मॉल? Are you sure तूने दीपिका को देखा है किसी और के साथ? हाँ क्यों? माँ मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं निकलता हूँ। लेकिन क्या हुआ? बाबू कैसी है तबीयत? कल रात इतनी जल्दी क्यों चले गए? अच्छा तुमने वो पेपर साइन कर लिए जो पापा ने भेजे थे? वो खो गए। खो गए? What do you mean खो गए? तुम्हें
पता भी है पापा ने कितनी मुश्किल से वो सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए थे? लापरवाही की भी हद होती है, तुम अब बच्चे नहीं रहे। फाइन, ये लो, ये तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी के पेपर्स, दुकान, बिजनेस, यही सब मायने रखता है। मैं तो कुछ भी नहीं ना, सब जानता हूँ मैं क्या चल रहा है तुम्हारे रोज मोंगे के बीच। तुम्हारे आजू बाजू तुम हिलाता हुआ घूमता है वो, क्यों तुम उसके साथ वो सेंटर में मॉल गई? ये लो, यही चाहिए थे ना, ये लो, ये लो। कितनी गिरी हुई सोच है तुम्हारी, मैं तो तुम्हारे लिए गिफ्ट। नहीं दिखाई दे रही आजकल, आशीष जरा फोन तो मिला उसे? पहले तो रोज आती थी, अब दो दिन हो गए आई ही नहीं। कुछ भी बोलो, उसके बगैर मन नहीं लगता। वैसे ना एक ही अच्छा काम किया तूने अपनी जिंदगी में, दीपिका जैसी लड़की को शादी के लिए मना लिया। भगवान का शुक्र मनाओ, मान गई वो। अरे अब कहाँ जा रहा है? दीपिका से मिलने। दीपिका, दीपिका, दीपिका! अरे ये दरवाजा खुला छोड़ के कहाँ चले गए? दीपिका, दीपिका! का फोन भी यहीं पे। हेलो माँ। कमाल है, ऐसे दरवाजा लॉक किए बिना कोई जाता है क्या? पर बेटा कहाँ गए होंगे, सब ठीक तो है? अरे माँ कहीं भी गए हो, पता के तो जाना चाहिए था। अब क्या करें बेटा, शायद कानपुर वाले मामा जी की तबीयत खराब हो, शायद उसी सिलसिले में वो कानपुर गए हो। आशीष, आशीष बेटा चलो उठो घर चलते हैं। जी वो प्रकाश जी का कुछ पता चला क्या? नहीं अभी तक कोई पता नहीं चला। क्या हो गया, मतलब अचानक गायब हो गए, कुछ पता ही नहीं चला? अपने दामाद को भी नहीं बताया है? कोई बात नहीं, अगर कुछ पता चले तो हमको ही बता दीजिएगा, और कोई हेल्प की जरूरत हो तो प्लीज है? नमस्ते जी। चलो ये बेकार के पड़ोसी, लगता कोई और काम काज नहीं है इन्हें, बेमतलब की बातों में पूरा ध्यान है। भला ये कैसे हो सकता है कि किसी ने उन्हें जाते हुए ना देखा हो?
अरे बॉस कहाँ हो, दुकान क्यों बंद है? हम लोग डिलीवरी करने आए, क्या करना है दवाइयों का? ठीक है मैं दो मिनट में फोन करता हूँ। माँ दुकान की चाबी दो। दुकान की चाबी? वो तो कल प्रकाश जी ले गए थे। ठीक है फिर मैं फोन करके डिलीवरी वाले को मना कर देता हूँ। अरे जब अंकल को ही नहीं पड़ी है तो फिर क्या हो? कम से कम एक फोन करके इन्फॉर्म तो कर देते। अरे एक मिनट, वो अपना फोन छोड़ के गए है ना। हाँ तो किसी ना किसी रिश्तेदार का नंबर तो होगा ना उसमें। एक मिनट, इतनी बातें करते थे वो अपने रिश्तेदारों की, ये देखो पेपर वाले तक का नंबर है, मामा चाचा किसी का नंबर नहीं है। मैं कह रही हूँ कुछ तो गड़बड़ है, इसने उनके साथ बहुत गलत किया है। बेचारी दीपिका पता नहीं किस हाल में होगी। अरे मुंगा क्यों बुला लेता है अपने दोस्तों को, जब खुद ही घर पर नहीं होता है कब से इंतजार कर रहा है? मेरा कौन दोस्त आ गया? तू यहाँ क्या कर रहा है? दीपिका कहाँ है? मुझे नहीं पता। मुंगा दीपिका कहाँ है? अरे एक बार कहा ना मुझे नहीं पता। बता। तुम अंदर जाओ। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं। कल रात को दीपिका के घर क्या करा था तू? हाँ दीपिका और प्रकाश अंकल को गायब तूने किया है मोंगा। मुझे छोड़, मैं बताता हूँ। मैं गया था वहाँ पे, कोई नहीं मिला तो मैं फौरन वापस आ गया। मैं सच बोल रहा हूँ यार। अच्छा हाँ। सच बोल रहा है? दीपिका के साथ क्या बातें करता था दीपिका के साथ? बता। सुन मेरी बात। यार मैं प्रकाश जी से मिलने जाता था उनकी डील के चक्कर में, प्रॉपर्टी की। कौन सी प्रॉपर्टी डील? अरे यार पटियाला में उनकी एक प्रॉपर्टी है, उसे बेचना चाहते थे वो। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो उनकी मदद कर सके, बस इसलिए जाता था यार। और दीपिका, दीपिका से क्यों बात करता था? यार दीपिका मेरे दादा दादी का हाल चाल पूछ रही थी बस। अच्छा और उसके साथ बाहर क्यों जाता था तू उसके साथ? मैंने बताया ना कि मैं प्रकाश जी के काम के सिलसिले में मिलता था उससे यार। रुक आज छोड़ूंगा नहीं तेरे को। क्या हुआ, कुछ पता चला? वापस आए क्या वो लोग? ये मेरा बेटा आशीष। यही है जिसकी शादी दीपिका से होने वाली थी। मैंने सोचा चलो मैं ही पुलिस को बुला लेता हूं। मतलब इतनी देर हो चुकी है अभी तक उनका कुछ पता ही नहीं है। तो जब तुम कल आए तो तुम्हें दरवाजा खुला मिला, लड़की से तुम्हारी लड़ाई हुई थी? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं यार। अब क्या कहना चाह रहे? सोच लो, कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? नहीं मैं उस लड़की से तुम्हारी लड़ाई हुई थी? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं यार। अब क्या कहना चाह रहे? सोच लो, कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? नहीं मैं जब कोई अपना हमसे दूर चला जाता है तो दिल पर क्या बीतती है इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फर्ज कीजिए अगर आपको यह भी ना पता हो कि दूर जाने वाला गया है तो कहां गया है, जीवित भी है या नहीं, सुरक्षित है या फिर खतरे में है, तो आपका क्या हाल होगा? आशीष का भी कुछ ऐसा ही हाल था और इन सवालों के जवाब पाने के लिए अब वो कुछ भी करने को तैयार था। जो लोग गायब थे उन पर क्या बीत रही थी इसका तो हम अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन आशीष पर जो गुजर रही थी वो साफ जाहिर था। न जाने कितने ही सवाल उठ रहे थे उसके जहन में। एक पूरा परिवार अचानक रातों रात कैसे गायब हो गया? कहां चले गए? क्या कोई जरूरी काम आ गया था या कहीं उनके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की गई? कहां होंगे, किस हाल में होंगे? सवाल बहुत थे लेकिन पुलिस के पास फिलहाल एक ही जवाब था कि उन्हें कुछ पता नहीं। मैं कह रहा हूं ये आशीष जो लड़का है मुझे कुछ ठीक नहीं लगता, इसी ने कुछ किया होगा। अरे वही तो, एक साल पहले की तो बात है, पूरा दिन यही घूमता रहता था लड़कियों के आगे पीछे। लेकिन यार कुछ भी कह ले, ये माँ बेटे ने मिलकर पूरे परिवार को क्या फंसाया है। सही बोल रहे तू। शुरू से बताओ तुम्हारी आखिरी बार उनसे कब बात हुई थी? 3 दिन हो गए गायब। लगता है वो वापस नहीं आएगी। मोगा को मारने क्यों गया था तू?
बता। ओ बेटा क्या ये, चलो नीचे उतरो। मैं नहीं उतरूंगा, ये मेरी गाड़ी है, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मेरी गाड़ी है। पापा कहाँ थे? पापा यहीं पे। पापा पापा यहाँ पे आओ, इनको देखो। क्या हुआ बेटा? भाई साहब आपका बेटा ये। जी हाँ। अरे देखिए ना कैसे गाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ है मेरी। तुम्हारी गाड़ी? अच्छा आप आशीष शर्मा है? नमस्ते जी। नमस्ते। मैं गाड़ी की डिलीवरी के लिए आया। डिलीवरी? जी हाँ, ये गाड़ी मैंने खरीदी है और आज की डेट दी थी डिलीवरी की। आपने खरीदी है? बकवास कर रहे हो क्या? चलो निकलो यहाँ से। अरे ऐसे कैसे निकल जाएं? पूरे पैसे दिए और पूरे पेपर भी है मेरे पास, मैं क्यों जाऊं? ओ भाई साहब सुनो, कोई गलतफहमी हुई है आपको, ये गाड़ी मेरी है। ओए कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे, मैं ये गाड़ी लेकर जाऊंगा। सुन वैसे दिमाग बहुत खराब है, चल निकल यहाँ। अरे जा यहाँ से। अरे चल जा। मैंने प्रकाश जी को बोला था कि पेमेंट के वक्त ही मुझे डिलीवरी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा दो दिन रुक जाओ। प्रकाश, प्रकाश जी, ये गाड़ी प्रकाश जी ने बेची आपको? और नहीं तो क्या, पूरा पेमेंट दिया, मैं तो ये गाड़ी लेकर ही जाऊंगा। कोई तो वजह जरूर होगी ना अंकल, हमारी गाड़ी बिना बताए कैसे बेच सकते हैं? एक मिनट, अब याद आया मुझे, मम्मी, अरे मैं अंकल को कुछ मर्सिडीज की फोटोज दिखा रहा था, शायद शादी में मुझे वो गाड़ी गिफ्ट करना चाहते, इसीलिए हमारी गाड़ी बेच दी हो। हाँ पर फिर भी गाड़ी बेचने से पहले बताना तो चाहिए था ना, एक तो खुद गायब है, ऊपर से दुकान बंद है, शादी की तैयारियां चल रही हैं, उन्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि एक फोन ही कर ले सरिता को, ऐसी भी क्या इमरजेंसी। हेलो, आशीष जी बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ, मैं डेकोरेटर बोल रहा हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एडवांस लिए बिना मैं काम शुरू नहीं करूँगा। हाँ तो चेक तो दिया था तुझे। कौन सा चेक? वो चेक तो बाउंस हो गया। क्या बाउंस? अरे 8,000 का चेक कैसे बाउंस हो सकता है? 8,000? मैंने बैंक वालों से पूछा था, 8 रुपये भी नहीं है उस अकाउंट में। मैं दोबारा बता देता हूँ कि बिना एडवांस के मैं काम शुरू नहीं करूँगा। अरे हेलो, हो सकता है अंकल ने पैसे किसी और अकाउंट में ट्रांसफर किए हो। किसका फोन था? हेलो, माजी मैं हरिदास बोल रहा हूँ। हाँ आपके अमृतसर वाले फार्म हाउस का चौकीदार। माजी देखिए ना, ये लोग हमारा सामान जबरदस्ती निकाल रहे हैं। क्या? कौन लोग घर से निकाल रहे हैं तुझे? हाँ अब तूने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? पुलिस वाले ही तो है माजी। माजी आप इनसे बोलिए ना। मेरी बात करा जरा इनसे। सर हेलो, देखिए मैं सरिता शर्मा बोल रही हूँ। ऐसे कैसे घुस आए आप हमारे घर में? हाँ और इसे क्यों घर से निकाल रहे हैं? ये हमारा घर है। अरे मैडम जी आपकी प्रॉपर्टी बिक चुकी है। और आप अपने चौकीदार को बोले जो नया ओनर है उसको अंदर जाने दे। क्या? ये कह रहे कि प्रॉपर्टी बिक गई? ऐसे कैसे प्रॉपर्टी बिक गई? हाँ ऐसे कैसे? ये प्रॉपर्टी हमारे नाम पर है, ये कैसे हो सकता है? ओ मैडम जी मैंने सारे पेपर चेक किए हैं और ये शर्मा जी के पूरे सिग्नेचर भी मैंने देखे हैं और ये प्रॉपर्टी प्रकाश गुप्ता जी के नाम बेच दी गई है। और प्लीज आप अपने चौकीदार को बोले कि हमारा काम हमको करने दे। क्या हुआ माँ? क्या है? प्रॉपर्टी बिक गई प्रकाश जी के थ्रू? ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में पोजीशन हो जाना चाहिए। ठीक है ठीक है।
मैम सिग्नेचर तो बिल्कुल परफेक्ट है और आशीष सर ने खुद पावर ऑफ अटर्नी प्रकाश सर को सौंपी थी। एक मासूम निर्दोष इंसान का भरोसा ऐसे चालबाजों का सबसे बड़ा हथियार होता है और यह भरोसा हासिल करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। शर्मा परिवार का भरोसा जीतने के लिए इन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, एक साल तक उनके साथ रहे, बुरे वक्त में उनकी मदद की, सुख दुख में उनका साथ दिया, यहां तक कि उनके परिवार के साथ अपने परिवार का नाम जोड़ने का ढोंग तक रचाया। ऐसे में तो शायद आप और मैं भी इन लोगों का विश्वास कर लेते, पर क्या इसका मतलब यह है कि किसी पर भी भरोसा करना गुनाह हो गया है? क्या हम किसी अजनबी से दोस्ती और इंसानियत की उम्मीद ही नहीं रख सकते? जी नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन आज के दौर में सचेत रहना और सावधानी से काम लेना ही हमारे हित में है। विश्वास गलत नहीं है, लेकिन अंधविश्वास महंगा पड़ता है, और धीरे धीरे आशीष और उसकी मां भी अब यह बात समझने लगे थे। क्या वाकई प्रकाश जी ने हमारे साथ, क्या उन्होंने सच में ऐसा किया? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, पर सिग्नेचर तो उन्होंने लिए, और दीपिका, दीपिका कितना घुल मिल गई थी हमसे, ये कैसे हुआ? हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। जी हम लोग इस घर पे कब्जा करने आए, बैंक द्वारा अब इस घर की नीलामी होगी। आप लोगों ने कोई मोर्गेज पेमेंट ही नहीं दिया है। चलो रुको, क्या ना? अरे ये हमारा घर है। छोड़ो आशीष बेटा। देखिए मैं मानता हूँ आपके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हाथापाई पर उतर आए, और खासतौर से सरकारी अफसरों के साथ। तो क्या करूं, आप लोग तो कुछ कर नहीं रहे, हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए। देखिए पुलिस का काम पुलिस पर छोड़ दीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, जब आपने खुद पेपर साइन करके दिए तो हम क्या कर सकते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आए और कहां गए, कोई नहीं जानता। मैं जानता हूं। ये आईडी नकली हो सकते हैं,
देखिए इतनी मुश्किल से एक लीड मिली है, कम से कम उन्हें ढूंढने की कोशिश तो कीजिए आप। पवन, पटियाले के इस एड्रेस का पता लगा। जी। और हाँ, नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई मारपीट की कंप्लेंट आई तो मजबूर हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, समझे? अब आप लोग जा सकते हैं, खबर मिलने पे दोबारा बुलाता हूँ। अरे क्या माजी, ये घिसी पिटी कुर्सी, ये तो चढ़ाने उतारने में टूट जाएगा, रहने दीजिए इसको। अरे ऐसे कैसे रहने दे, ये कुर्सी तो मेरे पति की है, ये लैंप पोस्ट मुझे शादी में मिला था, 30 सालों से आदत है इन चीजों के साथ रहने की, ऐसे कैसे छोड़ दे। नहीं भैया इसे भी रखो, आशीष समझाओ ना इसे, कह रहा है कि ये कुर्सी को यही छोड़ देते हैं, ऐसे कैसे नहीं जाएगी ये कुर्सी। माँ जी कहा था ना टूट जाएगी। काफी दूर तक जाना पड़ता है और लाइन भी काफी थी, मैंने सोचा मैं शाम को वापस आके पानी भर लूंगा। वापस आके तू जा कहाँ रहा है? वो मैंने ना यहाँ पे एक पोस्टर देखा कि उन्हें सेल्समैन चाहिए वो क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए, सोच रहा हूँ कि इंटरव्यू दे आऊँ। अच्छा, इस उम्र में ऐसी नौकरी, इसके पहले क्या कर रहे थे आप? मैं एक छोटा सा बिजनेस करता था। क्या हुआ उस छोटे से बिजनेस का? फाइनेंशियल रीजंस की वजह से उन्हें बंद करना पड़ा। हमारा बिजनेस तो ठप नहीं करा दोगे ना? लगता है कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, बाहर जाके बात कर लिए। एक्सक्यूज मी। हेलो सुरेश, वो आदमी जो बाहर गया उसे जरा वापस भेज दो। चला गया? प्रकाश अंकल नहीं है क्या? अरे इंस्पेक्टर साहब, यही बात तो मैं कब से आपसे कह रहा हूँ कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, खामे खा आपने पटियाले से मुझे यहाँ बुला लिया। पवन, फोटो दिखाओ इन्हें। ये फोटोज देखिए, आप जानते हैं इन्हें? क्या हुआ? सब समझ में आ गया। समझ गया, सब समझ गया। तुम्हारा कितने का नुकसान हुआ? 15 लाख, 20 लाख? हमने भी 20 लाख की जमीन खोई, जिंदगी भर मेहनत करके एक एक पाई जोड़ जोड़ के जमीन खरीदी थी। सब साफ, एक कौड़ी नहीं छोड़ी उन लोगों ने। मेरे बेटे रोहन को मोहल्ले में कौन नहीं जानता था, हीरो था हीरो, पढ़ने लिखने में टॉपर, बोर्ड एग्जाम में टॉपर, आईआईटी में टॉपर। बस मैं उसके कॉलेज खत्म होने का इंतजार कर रहा था, उसका फाइनल ईयर चल रहा,
तभी हमारे मोहल्ले में कुछ नए लोग शिफ्ट हुए हमारे पड़ोस में, और वहीं पर रोहन की मुलाकात प्रियंका से हुई। शुरू शुरू में हमें लगा कि अगर रोहन प्रियंका की थोड़ी सी पढ़ाई में मदद करता है तो उसमें हर्जी क्या है। और तो और, जब बात पढ़ाई से भी थोड़ी आगे निकल गई तो हमने कुछ नहीं बोला। हमने सोचा कि अब जमाने के साथ आगे बढ़ना है, दो जवान लोग हैं, इसमें खराबी क्या है। और फिर प्रियंका के माँ बाप कितने अच्छे लोग हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। 150 रुपया किलो। अरे दिवाकर जी, कैसे हैं आप? अरे प्रकाश जी, अच्छा हुआ आप मिल गए, मैं यहाँ पे के पास आने वाला था। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। आपके बेटे राहुल ने क्या जादू कर दिया मेरी बेटी पर, कितने पहली बार कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। अरे दिवाकर जी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, अरे प्रियंका को तो हम अपने परिवार का सदस्य समझते हैं अब तो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे प्रियंका बेटी, ये क्या कर रही हो? अब तो रहने ही दो, इतनी सारी फाइल्स, अपना कमरा कितना गंदा रखते हो सच्ची। इसलिए ना मैं ये सारी चीजें ठीक कर रही हूँ। प्रियंका लाओ बेटा, मैं संभाल लूंगा, लगता है इस समय किसी और को ज्यादा जरूरत है तुम्हारी। नए प्लॉट की भूमि पूजा है तो मैंने सोचा कि अंकल और प्रियंका दोनों को साथ में इनवाइट कर देता हूँ, पर दोनों में से कोई फोन ही नहीं उठा रहा। तुम खामखा टेंशन ले रहे हो, उन्हें तो पता ही है कल पूजा है, वो जरूर आएंगे, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जी पापा। अंतः गणपति गुंग हवा महे प्रियाडांतः प्रियपति गुंग हवा। यजमान लोग आइए, देवताओं का उत्तर पूजन कीजिए। ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये जमीन हमारी है। तुम्हारी जमीन? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, मैंने सारी जिंदगी की कमाई लगाकर ये जमीन खरीदी है। जब मैंने ये जमीन बेची नहीं तो आपने खरीदी कैसे? अरे पूरे 20 लाख रुपए दिए हैं मैंने इस जमीन को खरीदने के लिए। अब इसके आगे तो आप सब समझ गए होंगे, तीनों के तीनों गायब, जैसे थे ही नहीं। हमारा जो नुकसान हुआ सो हुआ, लेकिन मेरा बेटा रोहन, उसे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा, डिप्रेशन में चल गया। आज भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इंस्पेक्टर साहब, ऐसे लोगों को भगवान कभी माफ नहीं करेगा। क्या ये शख्स वाकई उन गुनहगारों को पहचानता था? क्या आखिरकार आशीष को अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, या फिर ये भी उन लोगों का कोई और झांसा था? क्या था सच, ये जानने के लिए हम वापस आएंगे कल यानी नए साल में, इस कहानी के कुछ नए पहलुओं को खोलने, कुछ नए खुलासों के साथ, कुछ खौफनाक राज जानने के लिए। मेरी ओर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला ये साल आपके लिए और भी शुभ और भी कुशल होगा। मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मौज मस्ती और जश्न के इस माहौल में सावधान रहना, सतर्क रहना भी उतना ही जरूरी है। और हाँ, सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान।